लांदरे से मार दिए थे। बाबूजी बोले थे ना आपसे नहीं चाहिए थे, काहे नहीं सुनते आप हमारे? बाबूजी भेज रहे हैं हमें, नहीं चाहिए ले जाए पक्का एकदम पक्का, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि खोटा सिक्का नहीं चलेगा। सिक्के ही तो हैं और खोटा सिक्का नहीं चलेगा। दहेज मुक्त बिहार संकल्प हमारा। क्या हुआ बेटा? शाबाश। शाबाशी तो आपको है जी, अगर आप बिरादरी तो बना नहीं यार। Hitesh,
भीड़ बनाई ना गजल वाला कुर्सी ले आज भीड़ बनाई Thank you.
मालूम। एक बात और हम लोग बोलते हैं, मैं बोलूंगा वाह, तो आप लोग बोलिएगा मजा आ गया, वाह, कहाँ आया मजा, वाह, हाथ उठा के ऐसे फूल खिलाइए तो सब लोग, कहाँ फूल खिला, किस, वाह रे वाह, मजा, बोले वाह, चलिए अब मैडम कुछ कहेंगी। आयोजित महिला विकास निगम समाज कल्याण विभाग द्वारा ये विशेष आयोजन, साथ ही साथ इस बृहद भव्य आयोजन में मध्य निषेध विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग, भवन निर्माण विभाग, सभी विभागों की सहभागिता है और कई विभाग एक साथ मिलकर आज गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम का विधिवत आयोजन किया गया है और हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। तो एक जोरदार ताली इस आयोजन के लिए आप सब की तरफ से। जी हाँ, आज हम अपने बापू महात्मा गांधी जी की जयंती तो मना ही रहे हैं, साथ ही साथ आज का दिन विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। तो कई सारे ऐसे व्यक्तित्व जिनकी बदौलत आज हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र रूप से सांस ले रहे हैं, ऐसे महान महापुरुषों को हम आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। जी हाँ, महात्मा गांधी जी ने देश की स्वतंत्रता में अपना अहम योगदान दिया, जिसे हम कभी भुला नहीं सकते।
गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी सारी जिंदगी संघर्ष कर देश को आज़ादी दिलाई और पूरी जिंदगी के लिए अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दिया। महात्मा गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता तो थे ही साथ भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के एक बहुत ही मजबूत सूत्रधार भी थे। उन्होंने लोगों का आह्वान किया, लोगों को जोड़ा और भारत को स्वतंत्र कराने में उनकी भूमिका को हम ना भूल सकते हैं, उनके योगदान को ना हम भूल सकते हैं। सिर्फ हम उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर, जो कि अहिंसा का मार्ग है, उस पर चलने की कोशिश कर सकते हैं। एक साधारण व्यक्ति कितना असाधारण हो सकता है, इसका प्रमाण है हमारे बापू यानी महात्मा गांधी जी। जी हाँ, उनका यही लक्ष्य था, उनका यही कहना था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। अगर हम उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे, उनको करीब से जानने की कोशिश करेंगे, तो सचमुच उनके जीवन में इतना कुछ है, उस व्यक्तित्व के अंदर, उनके व्यक्तित्व के अंदर इतना कुछ उन्होंने अपने आप में समेट कर रखा है। अगर हम उसे जानने की कोशिश करेंगे तो सही मायने में हम उन्हें समझ पाएंगे, अपने भारतवर्ष को समझ पाएंगे और खुद को समझ पाएंगे। इसलिए उन्होंने एक बात कही थी कि वो बदलाव खुद में लाइए, वो बदलाव खुद में लाइए जिसे आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो पहले अपने आप को बदलना होगा, तभी हम दुनिया को बदल सकते हैं। तो बाबूजी का ये विचार सचमुच हम सबके लिए अनुकरणीय है और हम सबको उसका अनुसरण करना चाहिए। वो कहते थे, जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है, इसीलिए सबसे प्रेम करो, प्रेम के साथ रहो, और जहाँ प्रेम है वहाँ सचमुच स्वर्ग है। और ये जो हिंसा, मारकाट, इन सब के वो सब कट्टर विरोधी थे और सभी को अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते थे। ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे जियो कि तुम सब कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। कुछ ऐसा करो जिससे आपके जाने के बाद, हमारे जाने के बाद, लोग हमारे कामों को याद करें।